एमसीडी यूनियन चुनाव का आखिरी दौर खत्म हो गया। इसी कड़ी में तमाम प्रत्याशियों ने अपने द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखा और जीतने के बाद जनता के लिए क्या कार्य होंगे उसका हिसाब भी एमसीडी कर्मचारियों के समक्ष एक प्रेस वार्ता में रखा गया। क्या कहना था प्रत्याशी मुकेश गहलोत का, सुनाते हैं आपको भी। मेरा जो वाल्मीकि समाज है और जितने भी मेरे समर्थक हैं सब मेरे साथ खड़े हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे समाज का मेरे लिए। पूरा मेहनत कर रहा है मेरा समाज मेरे लिए और मतलब कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही मेरे समाज की मेरे लिए। कार्य देखिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे अहम कार्य है हमारा मेडिकल कैसेस कार्ड। वो मेडिकल कैसेस कार्ड हमें चाहिए और किस तरह से चाहिए कि हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर्मचारी है उनके लिए मेडिकल कैसेस कार्ड होना चाहिए, डिलीवरी कर्मचारी है उसके लिए भी मेडिकल कैसेस कार्ड होना चाहिए और जितने परमानेंट कर्मचारी उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सफाई का काम करते हैं, बीमारी सभी को लगती है। एक तो ये डिमांड। दूसरी मेरी डिमांड है कि 2017 तक का जितने भी मेरे कर्मचारी है भाई बहन हैं उनको 2017 तक पक्का करना चाहिए और पक्का भी किस तरह से हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 240,000 रुपये कर्मचारी को पक्का होना चाहिए, तो 240,000 रुपये का जब कर्मचारी पक्का होगा तो उसका बहुत एरियर बनेगा और उसके घर में हमारे समाज में तरक्की और उन्नति आएगी। तीसरी जो मेरी डिमांड है वो ये है कि जितने भी मेरी माता बहनें हैं वो 8 घंटे रोड पर होती हैं, शौचालय जाने के लिए उनके लिए सुविधा नहीं है, वो सुविधा 100% 15-20 दिन के अंदर करवाई जाएगी। मैं जीत कर आऊँगा तो 15-20 दिन के अंदर वो समस्या हल कराऊँगा, क्योंकि बड़ी शर्मनाक काम है कि मेरी माता बहनें रोड पर बैठी होती हैं और उन्हें कहीं शौचालय जाने की जगह नहीं होती। आप देखिए जब पैड़ियों बैठ जाती हैं तो लोग अपनी पैड़ी से हटाने के लिए धुलाई का बहाना लेते हैं और उन्हें वहाँ से धुलाई नहीं करनी होती, उन्हें सिर्फ मात्र वहाँ से हमारे समाज की जो औरतें हमारी भाई बहन बैठे हैं उन्हें हटाना होता है, बस वो समस्या मेरी हल होगी तो मेरे समाज के लिए बहुत तरक्की और उन्नति होगी। चौथी जो मेरी डिमांड है वो ये है कि जो 25,000 करोड़ रुपया हमारा निगम पे बकाया है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 25,000 करोड़ रुपया हमारा मिल जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं हल होंगी। और जो लोग एमसीडी में ठेकेदारी के सपने देख रहे हैं, मैं जीत कर आया तो उनके मुंह पे तमाचा होगा कि ठेकेदारी में आप लोग ठेकेदारी लाना चाहते थे और मैं ठेकेदारी के खिलाफ हूँ और आज तक ना तो एमसीडी में ठेकेदारी आई है ना ही जीवन में आने देंगे ठेकेदारी। देखिए मेरा चुनाव चिन्ह किताब है और चुनाव चिन्ह किताब ये वो किताब है जिसे भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा, बाद में रामायण के रूप में बाद में वो भी किताब बनी, बाबा भीमराव साहब ने लिखी इसमें संविधान लिखा वो भी एक किताब थी, और ये जो किताब मुझे मिली है ये मैं बाबा साहब का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस किताब को जिताकर हमारे समाज के बच्चे एक इतिहास लिख देंगे जिसमें मेरे समाज के सभी बच्चे होंगे, लिख पढ़ कर टीचर डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे और संतरी और मंत्री बनेंगे हमारे समाज के बच्चे। ये उन लोगों का मुँह पर तमाचा होगा जो हमारे यहाँ ठेकेदारी लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वो ये मुद्दा है कि मैंने कई समाज के लोगों को बुलाकर जो आज वो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो ठेकेदार बनते हैं समाज के, मैंने उन लोगों से कहा है, उन लोगों से बैठकर मीटिंग ली है कि आप लोग ठेकेदार तो बने, बहुत दिन समाज का खून चूस लिया है आप लोगों ने, अगर वाकई आप समाज का भला चाहते हो तो भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे एक बैंक खोल दो जिससे समाज की समस्याएं हल हो जाए। लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि हमारा बैंक तो बढ़िया चल रहा है, अगर तुम्हें बैंक खोलना तो अपने तरीके से अपने आप खोलिए। मैंने प्रण किया है, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो संस्थाएं चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमारे समाज की तरक्की और उन्नति चाहते हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उन लोगों से आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद गहलोत जी 1-2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर एक बैंक खुलेगा जिसे हमारे और हमारे समाज के बच्चे चलाएंगे, हमारे परिवार के बच्चे चलाएंगे, वो बैंक होगा। जनता से अपील करना चाहता हूँ
आप लोग कल 15 तारीख को सुबह उठें, पोलिंग स्टेशन पर जाएं। पोलिंग स्टेशन 3 जगह बने हैं, यमुना विहार C1, नंदनगरी C3, सुभाष पार्क सपना MCD बिल्डिंग के पास जाएं। चुनाव जिन किताब है आपकी, अपनी अपनी आपकी अपनी किताब है, उस पर मोहर लगाएं और आपके सामने बैठा आपका भाई, आपके परिवार का बच्चा, उसे जिताएं और अपने समाज की तरक्की कराएं। एक बेदाग छवि इंसान जिसने मजदूरों के लिए काम किया है, जिसने रातें नींद देखा, अपना घर बार नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपनी ड्यूटी नहीं देखी, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए तन मन धन से भाई लगा रहा, तो हमें ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो ये नहीं देखता है कि रात दिन मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बस केवल समाज के लिए ही आगे भाग रहा है, समाज के लिए बीड़ा उठा के आगे ले जा रहा है। तो हमें ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है और हमें पूरा विश्वास है अपने समाज पर, अपनी भाइयों पर कि वो ज़रूर जीत के आएंगे। और मैं बधाई देता हूँ आप सभी को कि चुनाव चिन्ह भाई का किताब है, किताब का ध्यान रखना है, किताब पर मोहर लगानी है, भारी मतों से भाई को जिताना है अगर आपको ठेकेदार से बचाना है तो। ये बहुत अच्छे नेता हैं, सच्चे नेता हैं, लेकिन लोग बाग कुछ जो कुछ कह रहे हैं वो एक झूठ बात थी, झूठ बात है, क्योंकि अच्छे आदमी के तरफ को हमेशा उंगली उठती है। मेरी आत्मा, मेरी दुआ, मेरा जो संगठन है भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा, इनके तत्पर है। जहाँ भी ये गए हैं हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पर इनके लिए वोटिंग के लिए समर्थन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मुकेश गहलोत जैसे नेता ही हमारे इस MCD डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। मैं इनसे यही उम्मीद करता हूं और यही आश भी रखते हैं, क्योंकि हम मजदूरों को या अपने सफाई कर्मचारियों को एक सच्चा नेता देना चाहते हैं, जो मुकेश गहलोत के अंदर छवि है। देखिए, अब ये लड़ाई जो है ये केवल मान सम्मान के कुर्सी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने रिसर्च किया, कुछ हमारे जो हमारे उम्र दराज आदमी हैं, इन लोगों को हमने रिसर्च किया, इनके अंदर एक सच्चाई हमें मिली और सच्चाई के अनुकूल ही ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये एक मर्यादा और मान सम्मान की, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी इस टाइम इतना गिर चुका है कि हम पैसे से परेशान हैं। मुकेश गहलोत जी ने कसम खाई है कि जब तक उसको नहीं पूरा करूँगा, चाहे जीत हार तो ये तो लगी रहती है, फिर भी ये अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना और भी दो एक क्रांतिकारी, जो वो हम तीन संगठन इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। विपक्षी कुछ भी कहते रहे उससे कोई संबंध नहीं है। कर्म पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं, क्योंकि कर्म के अनुकूल ही आदमी बढ़ता है और कर्म के अनुकूल ही गिर जाता है। इन लोगों की छवि किसी की भी ठीक नहीं है, किसी की भी ठीक नहीं है, कोई भी है ये, मैं नाम खोलना नहीं चाहता, इन्होंने समाज को काटा है, ये दफ्तरों में अपनी दलाली करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारी MCD को अच्छा नेता मिले, इनकी यूनियन का नाम हो, हमारे संगठन का भी नाम हो, जो हम इनके साथ काम कर रहे हैं इनका भी नाम हो, और हम अपने जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको कुछ अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैंने अपने संगठन की तरफ से भाई मुकेश गहलोत जी को, जो क्रांतिकारी नेता है हमारे दलित मजदूरों के, उनको समर्थन दिया है। और मेरा समर्थन देने का मतलब ये है कि जितने भी नेता लड़ रहे हैं वो भ्रष्ट और दलित मजदूर को शोषण करने वाले हैं। मेरी नज़रों में, मेरी संगठन की नज़रों में, मेरे कार्यकर्ताओं की नज़रों में ये साफ छवि के अच्छे ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। इन्होंने पिछले साल धरना रखा था कर्मचारियों के हित में और 6 महीने की सैलरी कटवाई थी, और उसके बाद में जब ठेकेदारी प्रथा के तहत निगम में भर्ती होने की बात आई तो इन लोगों ने उसका पूरा पुरजोर विरोध किया इनके संगठन ने। मैं एक समाज संगठन चलाता हूँ, मेरा यूनियन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय बाल संगठन चलाता हूँ, समाज के हित की बात है, समाज के हित को देखकर मैंने और मेरे संगठन ने इनको समर्थन किया है कि ऐसा ईमानदार और सच्चा नेता हमें नहीं मिलेगा। और आने वाली 15 अप्रैल को मैं अपील करना चाहता हूँ समाज कार्यकर्ताओं से और बाली समाज के लोगों से कि आने वाली 15 तारीख को भाई मुकेश गहलोत जी को वोट देकर विजय बनाएं। इनका चुनाव चिन्ह किताब है, किताब को जिताकर आप इनको सफल बनाएं, ये आप सबकी अपनी जीत होगी। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम चौधरी रईसुद्दीन है। मुकेश गहलोत जी के लिए हम ये चाहेंगे, पूरी जनता के लिए, कि मुकेश गहलोत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, किताब के निशान पर मोहर लगाएं और मुकेश गहलोत जी को विजयी बनाएं।
मुकेश गहलोत जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान होने के नाते हमने इन लोगों को मतलब अपना समर्थन दिया, दिल्ली नगर निगम मजदूर कांग्रेस की तरफ से। ये 200 साल से हमारा इनका भाईचारा चलता चला आ रहा है। हमें सबसे अच्छे इंसान ये लगते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इन्हें समर्थन दिया। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर कांग्रेस का पूर्वी दिल्ली का महामंत्री हूँ, जो कि जयप्रकाश टांग जी हमारे पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष हैं और दिल्ली प्रदेश में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो कि कंडेरा जी का संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है हमारा। मैं मुकेश भाई के बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे जैसे हम वार्डों में मीटिंग कर रहे हैं और लोगों का जो हम रुझान देख रहे हैं और लोगों को में जो प्यार मिला मुकेश भाई को, क्योंकि मुकेश भाई एक ऐसे इंसान हैं साफ छवि के, जिन्होंने वर्करों में लोगों के बीच में काम कर रखा। अभी आपको बता दूँ 2010 में हमारे अशोक राय डीसी थे, वो ठेकेदारी की भर्ती कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो इंसान बीच में आया कूद के वो मुकेश गहलोत जी थे, और इन्होंने 6 महीने धरना चलाया जिसमें इनकी जो सैलरी कटी। ऐसा एक पहला इंसान है जो धरने पर बैठकर जिसने अपनी सैलरी कटवा के समाज के लिए, और वो भी सफाई कर्मचारियों के लिए, अपने बच्चों का पेट काट के और वो सैलरी इन्होंने कटवाई। ये पहला एक तो हमारा नन्नगरी में C3 में एक पोलिंग से, जिसमें 8 वार्ड है हमारे, और यमुना विहार में 14 हैं और सुभाष पार्क में हैं। ये तीनों पोलिंग हमारे जो वोटें डलेंगे सफाई कर्मचारियों की, और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे सफाई कर्मचारी माताएँ बहनें भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, क्योंकि ये अधिकार 5 साल में आपको मिलेगा। आगे मिले या ना मिले, पता नहीं क्या होने वाला आगे। और अच्छे इंसान को मुकेश गहलोत जी आपके बीच में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सोच समझकर ये वोट देना सारे कैंडिडेट को देकर, क्योंकि मुकेश गहलोत जी आपके बीच में ऐसे इंसान हैं जो निष्पक्ष, ईमानदार, कर्मठ और हमेशा कर्मचारियों के हितों से बात करते आए हैं।